Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ अड्डा 24/7। प्यारे दोस्तों, यार जितने लोग सेशन देख रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की इंस्टॉलमेंट्स। तो यार, इंस्टॉलमेंट शुरू करने से पहले आपको एक चीज बता विश कर देता हूँ, क्योंकि भाई आपको पता है कि आज आपका 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, तो सभी प्यारे दोस्तों को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास यार। लेकिन शुरू करने से पहले यार, देखो वीडियो के नीचे एक देखो लिंक आ रहा होगा शेयर करना, तो पहले शेयर करो, उसके बाद शुरू करते हैं क्लासेस। जल्दी जल्दी शेयर करिए। चलिए कंप्यूटर लाइए भाई, पहला क्वेश्चन लाइए। ये लो गाइस, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ यार इसका आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन मैं सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिक से पढ़ाऊंगा, लेकिन ट्रिक बताने से पहले हर क्वेश्चन का मैं बेसिक जरूर बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट व्हिच इज ड्यू एज रुपीज 848 एट द एंड ऑफ 4 ईयर एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 848 रुपए के ऋण को चुकाने के लिए आपकी वार्षिक किस्त कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला समझ लीजिए, फिर हम आपको इसकी ट्रिक भी सिखा देंगे। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान समझना। तो मेरे प्यारे बच्चे, फॉर्मूला होता है इंस्टॉलमेंट का, फॉर्मूला होता है बच्चे 100A अपॉन 100T प्लस RT इन द ब्रैकेट T माइनस 1/2। घबराना नहीं, कितना बड़ा फॉर्मूला देख के, इतना बड़ा फॉर्मूला देख के आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं कि आपका फॉर्मूला कहते हैं इतना बड़ा हो गया। आप कंप्यूटर थोड़ा सा क्वेश्चन साइड शिफ्ट कर दीजिए, बच्चों कट रहा है। तो प्यारे बच्चे, इसको सॉल्व क्या करेंगे, ए क्या है, ए बच्चे वो पैसा है जो ऋण आपको चुकाना है, वो कितना है 848 रुपए। तो क्या हो जाएगा 100 × 848 अपॉन, प्यारे बच्चे टी क्या है, टाइम कितना दिया गया है, क्योंकि सर 100 × टी प्लस रेट कितना है, क्योंकि सर रेट भी 4% है, टाइम कितना है 4 साल है, इंटू 4 − 1 कर देंगे प्यारे बच्चे, कितना आएगा 3/2। बोलो क्लियर। अब इस 2 से आप इसको कैंसिल कर दिए, तो हुआ क्या 100 × 848 अपॉन, ये कितना होगा, क्योंकि सर 400 × 3 × 6 और 6 × 4 कितना होगा 24, तो 400 + 24 कितना होगा 424। अब 424 से अगर हम 848 को प्यारे बच्चे कैंसिल करें, कितनी बार कैंसिल होगा, सर 2 बार कैंसिल होगा, और 100 × 2 कितना होगा, कहोगे सर 100 × 2 हो गया बच्चे 200। यानी आपको जो ईयरली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, कितनी देनी पड़ेगी सर, वो 200 रुपए की देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम इजिली, अब ये तो आ गया आपका बुक का मेथड, अब हम अपना मेथड आपको बताते हैं कि आप इस क्वेश्चन को इजिली कैसे कर सकते हो कि आपको ये क्वेश्चन आपका आपका 10 सेकंड में बनके तैयार हो जाए। तो उसके लिए क्या ट्रिक है, जरा ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। और यार जितने लोग देख रहे हो यार, एक बार जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करो यार वीडियो को, ऐसे मजा नहीं आ रहा यार, ठीक है, एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करो इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जोड़ो इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चे, करते क्या है, जरा ध्यान से देखो, करना क्या है, मान लो 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, मान लो बच्चे क्या है 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है, कहो तो सर 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट मैंने मान ली। अब कितने साल में पे करना है, क्योंकि सर 4 साल में पे करना है, रेट क्या है, क्योंकि सर 4% है, तो आपको करना क्या है, अगली बार इसमें इस 100 का 4% कितना होगा, क्योंकि सर 4 रुपए इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 104 रुपए। बहुत ध्यान समझना, अब क्या होगा, अगली बार 4 और ऐड कर दो, अगली बार 4 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 108 रुपए। 3 साल हो गए, अभी 4th साल बाकी है, अगली बार 4 और ऐड कर दो, कितना हो गया 112 रुपए। प्यारे बच्चे, अब सबको ऐड करके देखो, 100, 200, 300, 400, 8, 4, 12, 24,
अगर आपको 424 रुपए चुकाने हैं, अगर आपको 424 रुपए चुकाने हैं तो प्यारे बच्चे 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन आपको 424 नहीं चुकाने, कितने चुकाने, 848 रुपए चुकाने। तो प्यारे बच्चे 424 यूनिट की वैल्यू कितनी, कहोगे सर 424 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई रुपए 848। तो बच्चे एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो, कहोगे सर एक यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 2 रुपए। बोलो क्लियर। और आपने इंस्टॉलमेंट कितना लेट किया, कहोगे सर इंस्टॉलमेंट मैंने लेट किया है 100 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट टू 2 रुपीज, देन 100 यूनिट रिप्रेजेंट टू 200 रुपीज। यानी बच्चे कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट होगी कितने की जाएगी, कहोगे सर 200 रुपए की जाएगी। बोलो ये मेथड आपका बेस्ट मेथड है, और कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आपका इजिली आपका 10 से 12 सेकंड में बनके तैयार हो जाना है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में। चलिए एक बार जल्दी से लिख के बताओ कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। जल्दी से बताओ कि सर सभी लोग क्लियर है। लो मैं हट गया यार, स्क्रीनशॉट लेते रहना चीजों का। चलिए भाई सभी लोग लिख के बताते रहे कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन ला दीजिए। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ यार इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 6450 ड्यू इन 4 ईयर एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मतलब साधारण ब्याज की 5% दर से 4 वर्ष में 6450 रुपए चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी होगी। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपसे पूछा गया, कैसे करेंगे, जो ट्रिक मैंने आपको समझाई बस उसी को फॉलो करना है आपको। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। मान लो 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है, कितने की इंस्टॉलमेंट है, कह दो सर 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। तो प्यारे बच्चे ये 100 रुपए हो गया, अब समझा आप समझा समझो कैसे इस चीज को। तो 100 का अगली बार कितना होगा, 5% कितना होगा, सर 5 रुपए। तो अगली बार कर दो बच्चे 5 रुपए, 105 रुपए हो गया। अब तीसरे साल जब जाएंगे तो इसमें 5 और ऐड कर दो, तो अगला कितना होगा, कहोगे सर 110 रुपए। बोलो क्लियर। जब चौथे साल जाएंगे तो क्या होगा, 5 रुपए और ऐड कर दो, यानी कितना होगा 115 रुपए। अच्छा आपको समझाने के लिए एक ट्रिक सिखा देता हूं। ये 100 है, 100 का 5% 5 इसमें ऐड हो गया, अब ये 200 हो गए, अब ये कितना होगा 200। तो अगली बार 200 पे कितना होगा 10, अगली बार 300 हो गए तो 300 पे कितना होगा 15। बस इस तरीके से थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, समझ लो इस चीज को। अब देखो 100, 200, 300, 400 और 15, 10, 25 और 5, 30। अगर आपको 430 रुपए चुकाने हैं तो आपको 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, लेकिन आपको 430 रुपए नहीं चुकाने, आपको 6450 रुपए चुकाने हैं बच्चे। तो 430 यूनिट की वैल्यू कितनी है, कहोगे सर 430 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है रुपए 6450। तो बच्चे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आएगी बच्चे, अगर हम डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे 15 रुपए आएगा बच्चे। और आपने जो इंस्टॉलमेंट लेट की, कितने की लेट की, कहोगे सर इंस्टॉलमेंट जो हमने लेट की वो 100 रुपए की लेट की है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे सर 100 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपए। यानी हमें 1500 रुपए की इंस्टॉलमेंट अगर हम पे करेंगे तो 4 साल में हम 6450 रुपए का कर्ज अदा कर देंगे। बोलो बच्चों एक बार जल्दी से बताओ कि सर कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बार जल्दी से यार सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना और बताते रहो कि हमारे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये मेथड आपको सीख गए तो इस मेथड से आप विद इन 15 सेकेंड कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्रैक कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भाई ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पे। तो प्यारे बच्चे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ रुपीज 1160 इन 5 ईयर एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो भाई प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आपको दिया गया, कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को, कोई नहीं, 5 साल की बात है ना, कुछ भी करने की, कुछ नया करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया एज इट इज फॉलो कर लो। कैसे,
मान लो 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है बच्चे, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है। आप जरा ध्यान से देखो, 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट रेट कितना है? कहोगे सर रेट आपको दिया गया 8%, तो नेक्स्ट ईयर कितना होगा? कहोगे सर नेक्स्ट ईयर हमारा हो जाएगा 108, 100 में 8 ऐड कर दो 108। अगली बार कितना होगा? कहोगे सर इसमें 8 रुपए ऐड कर दें 116 रुपए। अगली बार कितना होगा? कहोगे सर 124। अगली बार कितना होगा? कहोगे सर 132। प्यारे बच्चे सबको ऐड कर लो, तो कहोगे सर 100, 200, 300, 400, 500, और ये कितना हो जाएगा? कहोगे ये हो जाएगा कितना, 24 और 16, और प्लस 8, 32 ऐड करेंगे, सबको ऐड करने में कितना मिलेगा? कहोगे सर 580। कितना मिलेगा प्यारे बच्चे? 580। और 580 यूनिट की वैल्यू कितनी? कहोगे सर 580, देखो अगर आप 580 रुपए चुकाना होता तो आपको 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट जाती, लेकिन आपको 580 नहीं चुकाना, आपको चुकाना कितना? कहोगे सर 1160 रुपए। प्यारे बच्चे तो 580 यूनिट की वैल्यू 1160 है, तो बच्चे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? कहोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2 रुपए। और इंस्टॉलमेंट आपने कितनी लेट की? कहोगे सर इंस्टॉलमेंट मैंने लेट की 100 यूनिट की, और एक यूनिट बच्चे 2 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर देगा? 100 यूनिट रिप्रेजेंट कर देगा 200 रुपए को प्यारे बच्चे। तो आपको जो इंस्टॉलमेंट जाएगी कौन से? 200 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर बी ऑप्शन। प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से बताओगे सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है? तो यार ये इससे ज्यादा आरआरबी एनटीपीसी में आपकी इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो एक बार जल्दी से बता दो कि सर क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी। चलो आई होप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो बच्चे ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कि बच्चे अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो आप इजिली किस तरीके से बनाएंगे। अगर हम यही क्वेश्चन कंपाउंड में बात करें कि अगर कंपाउंड की इंस्टॉलमेंट आ गई तो कंपाउंड की इंस्टॉलमेंट आप पेपर में कैसे सॉल्व करोगे? कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। ये लो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कह रहा अ सम ऑफ रुपीज 16,400 वॉज टेकन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट टू बी पेड बैक विथ 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब यार ये क्वेश्चन आ गया कंपाउंड का, तो प्यारे बच्चे पहले हम आपको बताते हैं फॉर्मूला मेथड, फिर हम आपको सिखाएंगे अपना मेथड। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझिए। तो जरा ध्यान से देखना बच्चे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप उस फॉर्मूले को समझ लीजिए। बच्चा फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, फिर एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर प्लस, आगे चलेंगे, एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल क्यूब। प्यारे बच्चे ये कब तक चलता रहता है? जब तक चलता रहता है जब तक आप पूरा पैसा अदा ना कर दें, जब तक आप पूरा पैसा अदा ना कर दें, यानी 16,400 रुपए अदा ना कर दें। तो लेकिन ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एज इट इज चलता रहेगा, जितने साल की बात है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कितने साल का है? कहोगे सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे वो 2 साल का है। अगर ये क्वेश्चन 2 साल का है तो आप कैसे बनाओगे? अगर 2 साल का है तो आपको इतने बड़े फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको यहाँ से यहाँ तक का हटा देना है, केवल 2 साल के लिए आपको इसको यूज करना है। तो क्या होगा, एक्स 1 प्लस आर अपॉन 100 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अब देखो रेट आपको पता है, पी मतलब वो पैसा जो आपको पे करना है 16,400, या पुट कर दीजिए तो एक्स अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100। प्यारे बच्चे यहां कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16,400। प्यारे बच्चे ये हो गया। अगर हम 5 से इसको कैंसिल कर दे कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार। 5 से कैंसिल कर दे कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार। तो देखो 20 एकम 20 और एक कितना होगा, ये एक टाइम होगा ना बच्चे, देखो ये एक होगा ना, तो 20 एकम 20 और एक कितना होगा, 21, और ये 20 ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो बच्चे ये जाएगा 20x बटे 21,
प्लस आगे चलेंगे तो देखो 20 एकम 20 प्लस 1 कितना होगा 21, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर। तो बच्चे जब स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो बच्चे 400 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 400x बटे 441 इक्वल टू 16400। बच्चे एक बार बस बेसिक समझ लो, उसके बाद तो मैं क्वेश्चन को उड़ा दूंगा। एक में देखो फिर आपका एलसीएम कितना आएगा, कहोगे सर 441 आएगा। 21 का डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, कहोगे सर 21 बार जाएगा। 21 का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 420x प्लस डिवाइड किया वन टाइम क्या वन का मल्टीप्लाई कर देंगे 400x इक्वल टू 16400। प्यारे बच्चे तो अगर हम इसको ऐड करें कितना आएगा, कहोगे सर 420 प्लस 400 यानी हो गया 820x बटे 400 इक्वल टू जाएगा बेटा 16400। बच्चे 820 से इसको कैंसिल करें कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल होगा, 20 बार। अब आप क्या करिए x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा बेटा, ये 441 है 441 है, मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 8820 यानी 888820। कौन सा ऑप्शन है, कहोगे सर ए ऑप्शन। प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। देखो भैया मैंने आखिर ये क्यों बताया, क्योंकि जब आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये चीजें सामने आएंगी और तब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास कुछ नया आया, आपको हर एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो प्यारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्वेश्चन को हम अपनी ट्रिक से सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से। कैसे बना सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिए। चलिए इसको रफ करते हैं एक बार जल्दी सभी लोग नोट कर। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। बच्चे बहुत ध्यान से समझना, एक बार अगर आपको समझ में आ गई चीजें तो फिर आगे कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो बच्चे रेट क्या दिया गया है, कहोगे सर रेट आपको दिया गया है 5%। रेट कितना है बच्चे, रेट आपको दिया गया 5%। बच्चे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, कहोगे सर 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती बच्चे, 1/20। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अब करते क्या है, देखो पहली साल कितना, कहोगे सर अगर 20 है तो 20 का 5% निकालेंगे तो 1 रुपया इंटरेस्ट आएगा, 1 रुपया यानी 21 रुपये हो जाएगा। पहली साल होगा 20 से 21। अब करते क्या है कि दूसरे साल इसका स्क्वायर नीचे लिखते हैं और इसका स्क्वायर भी नीचे लिखते हैं। बहुत ध्यान से समझते रहना, इसका स्क्वायर नीचे लिखते हैं और इसका स्क्वायर भी नीचे लिखते हैं। तो अगली बार कितना होगा, कहोगे सर 400 से 441 हो जाएगा। बच्चे बच्चे ये प्रिंसिपल होता है और ये आपका अमाउंट होता है। और बच्चे आपको पता है जो अमाउंट होता है वही इंस्टॉलमेंट होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर आपने कोई चीज परचेस की तो आपको अगर इंस्टॉलमेंट में परचेस कर रहे हो तो आपको उस चीज का उस आर्टिकल का आपको पैसा भी देना पड़ेगा और उस आर्टिकल पे के पैसे पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो भी देना पड़ेगा। यानी आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो नथिंग बट क्या होता है, अमाउंट ही होता है एक तरीके से। तो अब जरा ध्यान से देखो, तो यहां पे आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी, कहोगे सर 21 रुपए की। यहां पे आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी, 441 रुपए की। क्या आपकी इंस्टॉलमेंट इक्वल है, कहोगे सर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो क्या करो आप इसको इक्वल करो, इक्वल करने के लिए आप इधर किससे मल्टीप्लाई कर दो, 21 से। जैसे ही आप 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर ये हो जाएगा कितना। बहुत ध्यान से समझते रहना, मैं एक एक डिटेल आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं डायरेक्ट आपको लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि अगर मैं आपसे कह दूं ये आप 21 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हो तो 20 × 21 कितना हो गया, कहोगे सर 20 × 21 हमारा हो जाएगा 420। कितना हो गया 420। अब जरा ध्यान से देखो तो टोटल कितना होगा, कहोगे सर टोटल हमारे पास हो गया 820। टोटल कितना होगा, कहोगे सर 820। अगर बच्चे आपको 820 रुपए चुकाने होंगे, अगर आपको 820 रुपए चुकाने होंगे तो आपको 441 और 441 की दो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगे। अगर आपको 820 रुपए चुकाने हैं तो आपको 441 और 441 की दो इंस्टॉलमेंट यानी 882 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको 820 रुपए नहीं चुकाने, कितने चुकाने, 16400। तो प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि 820 यूनिट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि सर 820 यूनिट की वैल्यू आपने दी है कितनी, रुपए 16400। तो बच्चे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई। इसको इससे कैंसिल करेंगे, दो बार कैंसिल हुआ, क्योंकि सर 20 रुपए।
और हमसे कभी भी टोटल इंस्टॉलमेंट नहीं पूछता बच्चे, हमसे हमेशा ईच इंस्टॉलमेंट पूछता, और ईच इंस्टॉलमेंट कितने की, 441 रुपए की है। तो भाई 441 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो सर 441 यूनिट की वैल्यू आपकी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 8820 प्यारे बच्चे। तो ये आपका आंसर आएगा। एक बार बताओ कि सभी लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये आपका रेशियो आप इस तरीके से करेंगे, आपका जल्दी क्वेश्चन बनेगा और इजिली बन जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है, लिख के बताइए। ये लीजिए मैं हट गया, जल्दी से बताओ कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ये लो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ यार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है अ बिल्डर बोरोज रुपीज 2550 टू बी पेड बैक विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बाई द एंड ऑफ 2 ईयर इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाउ मच विल ईच इंस्टॉलमेंट बी। कह रहा बेटा हर एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं, जैसा सिखाया एज इट इज फॉलो करो। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रेट कितनी कहोगे सर, रेट आपको दी गई है 4%। बच्चा रेट कितनी कहोगे सर, रेट आपको दी गई है 4%। तो बच्चे 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती, कहोगे सर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 1/25। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चे कितनी होती, 1/25। तो पहली बार कितना होगा कहोगे सर, पहली बार होगा 25 से 26, और दूसरी बार कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरी बार के लिए बच्चे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर नीचे लिख देते हैं और इसका भी स्क्वायर नीचे लिख देते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा, 625, और 26 का स्क्वायर कितना होगा, 676। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे इंस्टॉलमेंट कितनी कहोगे सर, यहां पे इंस्टॉलमेंट 26 की है, यहां पे इंस्टॉलमेंट कितनी है, 676 की। क्या आपको ईच इंस्टॉलमेंट इक्वल है, कहोगे सर बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, कहेंगे सब पहले आप इंस्टॉलमेंट को इक्वल करिए। तो देखो इंस्टॉलमेंट को इक्वल करने के लिए आप क्या करिए, इधर 26 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप 26 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 × 26 कितना होगा, तो कहोगे सर 25 × 26 हो जाएगा 650। कितना हो जाएगा, 650। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 650। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यानी टोटल कितना होगा, 5 और 5 2 7 और 6 6 12। यानी अगर आपको 1275 रुपए चुकाने, अगर आपको 1275 रुपए चुकाने, तो आपको 676 की दो इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी। कितना, 2 676 676 की 200 इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेंगी, मतलब लगभग 1352 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन आपको 1275 थोड़ी ना चुकाने, आपको चुकाने कितने, 2550। यानी प्यारे बच्चे हम कह सकते हैं कि 1275 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1275 यूनिट की वैल्यू आपको दी गई है 2550 रुपए प्यारे बच्चे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे सर एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो ये दो बार कैंसिल हो जाएगा, 2 रुपए। और ईच इंस्टॉलमेंट कितने की, कहोगे सर ईच इंस्टॉलमेंट आपको दी गई 676 रुपए की, तो 676 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, कहोगे सर 676 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना, 6 × 12 और 1 हो गया 7 × 14 1 15 और 6 × 12 1 13, यानी 1352 रुपए। यानी प्यारे बच्चे 1352 रुपए की आपकी दो इंस्टॉलमेंट जाएंगी। तो अगर आप 1352 की दो इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो दो साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के 4% रेट से 525 रुपए आप अदा कर दोगे। चलिए गाइस एक बार देखो, और एज इट इज अगर ये 3 साल का हो तो आपको नीचे इसके क्यूब लिखना पड़ेगा और आप इजीली क्वेश्चन उसको भी बना ले जाओगे। अब एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है, बस एक बार जल्दी से बता दो सर क्लियर है। कैसा लगा आज की क्लास आप लोग, जल्दी से बताइए सर क्लास कैसी लग रही है। एक बार प्यारे बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसी लगी, क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हर एक चीज के। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे, जल्दी जल्दी बताओ यार कमेंट बॉक्स में। आपको पता है मैं कमेंट बॉक्स बहुत अच्छी तरीके से रीड करता हूं और वहां से मैं क्वेश्चंस भी लेके आता हूं आप लोगों के। तो जल्दी जल्दी बताइए कि सभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ प्यारे बच्चे। कंप्यूटर जी नेक्स्ट वो ला दीजिए। ये लो गाइस यार देखो, ये देखो
आपको पता है अक्टूबर महीना आ गया है, अक्टूबर यार जानते हो फेस्टिवल मंथ होता है, तो यार यहाँ पर भी हम लेके आए एक फेस्टिवल मंथ आपके लिए भी, आप इसमें जीत सकते हो क्या 30 लाख तक के इनाम। अब यार कह दो से जीते कैसे, अब ये बात आती, तो यार इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अड्डा 24/7 के स्टोर पे, और अड्डा 24/7 के स्टोर से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो, यार प्रोडक्ट का मतलब समझो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे कि आप अपनी स्टडी मटेरियल कुछ भी परचेस करते हो, जैसे लाइक ST परचेस करते हो, आप कोई वीडियो कोर्स परचेस करते हो, आप कोई बुक मटेरियल परचेस करते हो, तो आपको डेफिनेटली 100% कोई ना कोई प्राइस जरूर मिलेगा। हो सकता है कि वो प्राइस आपका कुछ भी हो सकता है, कहीं आपको आईफोन मिल जाए, तो यार कुछ भी मिल सकता है, लैपटॉप मिल जाए, तो यार एक बार जाइए और अड्डा 24/7 के स्टोर पर जरूर विजिट करिए। चलिए गाइस आज के लिए यहीं तक रखेंगे, ओके बाय।